तो फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल जो कि स्टार्ट है और 13 नवंबर तक चलेगी, तो इस फ्लिपकार्ट की पूरी सेल में सिर्फ दो ऐसे फोन है जो प्योर इंडियन ब्रांड है। माइक्रोमैक्स के दोनों फोन, माइक्रोमैक्स In1B और माइक्रोमैक्स In Note 1, जिन्हें कि आप बुक कर सकते हो 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे। क्या आपको ये बुक कर लेने चाहिए या फिर और फोन के साथ जाना चाहिए? तो शुरू करें, आप जल्दी से वीडियो कर दीजिए एक लाइक। और मैं आपको बताता हूं कि 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे माइक्रोमैक्स के दोनों फोन में से आप कोई लेना चाहते हैं तो आपको प्री ऑर्डर करना चाहिए, बुक या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जो माइक्रोमैक्स In1B है, जिसकी प्राइस के 2 GB 32 GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 7,000 रुपये। और इस पे भी आपको जो फ्लिपकार्ट की सेल पे जो 4 बैंक ऑफर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट डेबिट कार्ड आप कौन सा भी लगाते हो तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इन फोन पे भी जो इंडियन ब्रांड के फोन है इन पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो 232 वाला वेरिएंट माइक्रोमैक्स In1B का 7,000 की प्राइस है वो आपको मिल जाएगा बैंक ऑफर के साथ में 6,300 रुपये में। तो 6,300 रुपये में इस जैसा फोन पूरी फ्लिपकार्ट पे चाहे अमेजोन पे कोई भी फोन ऐसा देखने को नहीं मिलता है जो इसमें आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 232 के बजाय आप 4 GB रैम, 64 GB का स्टोरेज है वो लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 GB रैम हो सकता है आप ज्यादा यूज करें फोन को कम पड़ जाएगी। 4 GB 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 1,000 रुपये ज्यादा है। तो 1,000 रुपये में आपको क्या फायदा है कि रैम भी आपको डबल मिल रही है और स्टोरेज भी आपको डबल मिल रहा है, दोनों फायदे हैं। तो मेरे हिसाब से 4 GB 64 GB वाला आपको जरूर से लेना चाहिए। बाकी आपका बजट ही कम है तो 232 वाला भी आप ले सकते हैं। और अगर आप 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस है 8,000 रुपये। लेकिन मैंने जो आपको 4 बैंक बताई हैं, आप चारों बैंक में से किसी का भी क्रेडिट डेबिट कार्ड लगा देते हो तो वो आपको मिल जाएगा 7,200 रुपये में। 7,200 रुपये में 4 GB 64 GB रैम के साथ और बाकी जो स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं वो और किसी फोन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो आप जरूर से ले सकते हैं। बाकी 4 GB 64 GB में जो और फोन आते हैं, मीडियाटेक है G35 प्रोसेसर के साथ, उनमें रेडमी 9 है, पोको C3 है, रियलमी C15 है, तो उनकी प्राइस 9,000 रुपये है। बाकी सेल में तो कोई बैंक ऑफर वगैरह लग जाता है उस हिसाब से किसकी प्राइस कुछ कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन मेन प्राइस उनकी 9,000 या 9,500 रुपये है। लेकिन इसकी मेन प्राइस 8,000 रुपये है। बाकी 8,000 रुपये फिर भी आपको इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो उनमें देखने को नहीं मिलता है। जो 232 वाला आप अगर लेना चाहते हैं 6,300 में जो मिल जाएगा बैंक ऑफर के साथ में, उसमें ऐसा कोई और फोन नहीं जिसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है पीछे की साइड में, जो इस प्राइस में ज्यादातर फोनों में देखने को नहीं मिलता है। अगर किसी में मिल जाता है तो मीडियाटेक का हेलियो G35 का प्रोसेसर है वो नहीं मिलता, तो ये चीज मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है इस प्राइस में, बिल्कुल भी नहीं मिलता टाइप सी पोर्ट। 6,300 में या 7,000 रुपये में आप बिना बैंक ऑफर के लेते हो तो भी 7,000 रुपये में टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता। पहले किसी फोन में रेडमी के स्टार्ट में पहले मिला था, लेकिन वहां पे प्रोसेसर वगैरह और बाकी कुछ भी सही नहीं था। 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है इस प्राइस में, बाकी फोन में 5 मेगापिक्सल का मिलता है। अगर किसी में 8 मेगापिक्सल का मिलता है तो बाकी प्रोसेसर और ये टाइप सी पोर्ट वगैरह ये नहीं मिलते। और 7,000 रुपये में आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का बटन, जो आज तक किसी भी फोन में इस प्राइस में नहीं मिलता है। LG GTX में मिलता है गूगल असिस्टेंट का बटन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7,000 रुपये प्राइस में आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक एंड्रॉइड है, और सबसे और बड़ी बात के इंडियन ब्रांड है। तो इस प्राइस में और कोई भी ऐसा फोन नहीं है फ्लिपकार्ट की सेल पे कि आप और फोन के साथ जाओ। मेरे हिसाब से 100% आपको यही फोन लेना चाहिए। 232 वाला भी जबरदस्त है ले सकते हो, और 464 वाला भी ले सकते हो बैंक ऑफर के साथ या बिना बैंक ऑफर के लेते हो तो भी जबरदस्त है, क्योंकि इंडियन ब्रांड है और सबसे अच्छी बात स्टॉक एंड्रॉइड है, फालतू के ऐप वगैरह और डाटा वगैरह लीक होने का डर नहीं रहेगा। तो जरूर से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे। और अब दूसरे की बात करते हैं, तो माइक्रोमैक्स In Note 1 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 11,000 में। अगर आप इनमें से किसी बैंक का ऑफर वगैरह लगाते हैं तो 9,900 रुपये में मिल जाएगा माइक्रोमैक्स In Note 1। अब बात आती है कि 9,900 रुपये में आपको ये मिल जाता है तो क्या इससे बेटर आपको फ्लिपकार्ट की सेल में देखने को मिलते हैं? तो जी हाँ, मिल जाते हैं। Realme 6 जिसपे कि 13,000 का फोन है, लेकिन बैंक ऑफर पे डायरेक्ट 3,000 का डिस्काउंट है, तो
तो वहां पे आपको वो 10,000 मिल जाता है। तो वो इसे कुछ जैसे परफॉर्मेंस उसमें कुछ बेटर मिल जाती है, डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, फास्ट चार्जर वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, तो ऐसा कुछ वो देखने को मिल जाता है। लेकिन वो इस हिसाब से कि उस पर आपको 3,000 रुपये का बैक ऑफर है इस हिसाब से। बाकी प्राइस के हिसाब से जो 11,000 की प्राइस है कोई भी फ़ोन हो उससे ये बेटर है। बाकी फ्लिपकार्ट की सेल हो चाहे अमेजन की सेल हो, आपको पता है कोई बैंक ऑफर वगैरह किसी फ़ोन पे ज़्यादा दे दिए दिया जाता है, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है कि एक तो अगर आपको इंडियन ब्रांड चाहिए, चाइनीज आप फ़ोन नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, सही सब कुछ आपको इसमें अच्छा मिल जाता है। क्योंकि 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, क्वाड कैमरा है, 4 कैमरे मिलते हैं और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 5,000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर, मीडियाटेक हेलियो G85 का प्रोसेसर, तो सब कुछ आपको बेटर मिल जाता है। स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, कोई फालतू के ऐड वगैरह नहीं आएंगे, तो वो अच्छा है। अगर आप इंडियन ब्रांड ही लेना चाहते हैं नॉन चाइनीज फ़ोन तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। और दूसरी बात के अगर आपके पास कोई बैंक ऑफर आप इनमें से नहीं लगाते हैं तो फिर ये उन सबसे बेस्ट है, क्योंकि रियलमी 6 बिना बैंक ऑफर के 13,000 में है और ये आपको मिल जाता है सिर्फ 11,000 में, तो फिर ये बाकी जो फ्लिपकार्ट की सेल है उनसे सबसे बेस्ट ये कहा जाएगा। अगर आप बैंक ऑफर नहीं लगाते हैं तब तो भी आप इसे ज़रूर से ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से कि फ़ोन इंडियन ब्रांड के हिसाब से मान लो, चाहे बाकी जो स्पेक्स वगैरह जो अब सेल पे ऑफर की बात नहीं करेंगे, बैंक ऑफर तो कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है, हर बार कभी आगे हो सकता है, इस फ़ोन पे भी आपको ज़्यादा बैंक ऑफर देखने को मिल जाए। लेकिन ऑल टोटली देखा जाए तो सही प्राइस में लॉन्च किया गया है, सभी स्पेक्स के साथ में जो चाइनीज ब्रांड है उनसे कम प्राइस में ही ये लॉन्च किया गया है और स्पेक्स वगैरह भी उनसे कुछ ना कुछ बेटर देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर से आप दोनों फ़ोन में से कोई भी फ़ोन आप प्री बुक कर सकते हो, 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे सेल है, दोनों फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है और इंडियन ब्रांड है, स्टॉक एंड्रॉयड है, कोई फालतू के ऐप वगैरह नहीं आएंगे और डाटा वगैरह लीक होने का डर भी नहीं रहेगा। और बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।